कैसे हम जीवन दर्पण चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए सवाल देखते हैं। 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं? तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। दूसरा सवाल, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं? तो 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अगला सवाल है, 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं? तो 1 ग्राम में 10000 माइक्रोग्राम होते हैं। तो ये हमारे 4 सवाल थे और 4 सवालों के हमने जवाब दे दिए हैं। 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1000 ग्राम में 10000 माइक्रोग्राम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।